असलम दर्नर्स एन ऑनटरपेर एंड वेलकम इन द वीडियो हम अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद द लेंस ऑफ ऑनटरपन्योरशिप पहले फेज की हम बात करने लगे हैं पहले स्टेप की बात करने लगे हैं विच इज ऑल अबाउट हैविंग योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट अच्छा एक बात याद रखिए इन राइटिंग किसी भी विजन या मिशन स्टेटमेंट का होना लार्ज फर्म की एक लीगल रिक्वायरमेंट है अगर आपका मीडियम साइज बिजनेस है या अगर आपका स्मॉल बिजनेस है या अभी आप फिलहाल एक स्टार्टअप हैं तो हो सकता है कि यह आपकी लीगल रिक्वायरमेंट ना हो मगर यह एक रिक्वायरमेंट है इसकी वजह देखिए जब भी आप किसी भी इन्वेस्टर uh, के पास जाते हैं किसी इनक्यूबेशन सेंटर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपसे सवाल क्या किया जाता है वॉट इज योर बिजनेस वॉट ज योर आइडिया के सब एक ही बात जानना चाहते हैं आपका बिजनेस है क्या और आप इस बिजनेस को इन फ्यूचर कहाँ तक ले जा सकते हैं यानी वो एक तरह का एसेस करना चाह रहे होते हैं कि अगर हम आपको इन्वेस्टमेंट आपके साथ करते हैं या आपको कुछ सीड मनी देते हैं तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कितने सालों तक ये ऐसा थोड़ी है कि आ, आपको किसी ने पैसे दिए और उसके बाद आपने सिर्फ बिजनेस किया वो सिर्फ एक साल तक चला और उसके बाद वो बिजनेस क्लोज हो गया बिकॉज जो भी आपको सीड मनी देता है उसको रिटर्न भी चाहिए होता है सो so, वो अपना रिटर्न बेसिकली इंश्योर कर रहा होता है जर्नली विजन और मिशन स्टेटमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है यानी बहुत से लोग कहते हैं कि विजन और मिशन स्टेटमेंट एक ही होते हैं फिर उसके बाद कुछ कहते हैं कि विजन स्टेटमेंट पहले आती है मिशन स्टेटमेंट बाद में आती है या मिशन स्टेटमेंट पहले आती है विजन स्टेटमेंट बाद में आती है अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली विजन और मिशन स्टेटमेंट होता क्या है विजन एज यू नो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय इट्स टर्म विजन जो है वो डिफाइन करता है द एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ योर बिजनेस वेंचर इन अदर वर्ड्स वट डू वी वॉन्ट टू बिकम विजन स्टेटमेंट चाहे वो आपके जहन में हो चाहे वो आपने एक रफ पेपर पे लिखी हो चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट हो कंपनी की आपके पास एक विजन स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी फ्यूचर ओरिएंटेशन और फिलोसफी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसके बाद आ जाते हैं मिशन स्टेटमेंट पर मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या है मिशन स्टेटमेंट आपकी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स उसकी अप्रोच और उसकी ओरिएंटेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं मिशन स्टेटमेंट इन अदर वर्ड्स मिशन स्टेटमेंट बता रही होती है कि व्हाट इज़ आर बिजनेस सो अगर आपने विजन और मिशन स्टेटमेंट किसी जगह पर हार्ड फॉर्म में इन राइटिंग नहीं लिखी हुई तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये विजन और मिशन स्टेटमेंट ज़रूर होती है अगेन आई रिपीट जो फर्म्स रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि उनका विज़न और मिशन स्टेटमेंट होता है आप किसी भी बड़ी फर्म की वेबसाइट पर जाइए और जाके जहाँ पर अबाउट का कटैब होता है जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा होता है और इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि नंबर वन कंपनी का बिजनेस है क्या और नंबर टू कंपनी की फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है अब हम बात करते हैं कि अगर आपके जहन में कोई विज़न या कोई मिशन स्टेटमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं अपने वेंचर के लिए तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एक अच्छी विजन या एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट की करैक्टरस्टिक्स क्या होते हैं नंबर वन उसमें आपकी फिलॉसफी बड़ी कैटेगोरिकली क्लियरली डिफ़ाइन हो कि आपकी फिलॉसफी क्या है आपका बिजनेस आपका अपना यकीन क्या है जो जिसकी वजह से आप बिजनेस कर रहे हैं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन या मिशन स्टेटमेंट पढ़िए आपको यह अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर उनकी फिलॉसफी होती है फिर उसके बाद आपका विजन और आपका मिशन चूँकि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं इरिस्पेक्टिव की कौन सी पहले आती हैं कौन सी बाद में आती हैं इन दोनों का एक दूसरे के साथ अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है आपकी फ्यूचर ओरिएंटेशन यानी आपकी विजन स्टेटमेंट और आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्ट्री ना हो आपकी विज़न और आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर कस्टमर ओरिएंटेशन का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए आपकी मार्केट उसमें साफ नज़र आनी चाहिए लेकिन एक बात याद रखिए विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट्स को हम इतना क्लोजली जिसे कहते हैं वो टाई अप नहीं करते एक दूसरे के साथ या इतना तंग जहन के साथ हम नहीं लिखते कैटेगोरिकली मार्केट को कि फ्यूचर ओरिएंटेशन और में हमें बार बार अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना पड़े अगर हम बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो यूजुअली विजन और मिशन स्टेटमेंट के अंदर मार्केट ओरिएंटेशन भी होती है कस्टमर ओरिएंटेशन भी होती है लेकिन बहुत ब्रॉड नेचर की होती है टेक्नोलॉजी uh, का रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर बहुत सी ऐसी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फर्म्स हैं तो उनके अंदर वो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट भी नजर आता है लाइकवाइज आपका यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन क्या है वट मेक्स यू यूनिक ये तमाम चीजें विजन और मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं आपका कंसर्न फॉर द सोसाइटी आपका कंसर्न फॉर द पब्लिक आपका कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज ये सब रिफ्लेक्ट होता है आपके विजन और आपके मिशन स्टेटमेंट में खास तौर पर आपकी फ्यूचर ओरिएंटेशन बिकॉज आपका फ्यूचर ओरिएंटेशन ही बेसिकली आपके बिजनेस ग्रोथ को इंश्योर करता है यानी अगर आप बिजनेस डाइवर्सिफाई करने लगे हैं तो आप उसको आसानी से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग योर विजन एंड योर मिशन स्टेटमेंट अब आप एक काम कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए और किसी भी पाकिस्तानी जो फर्म है उसकी विजन और मिशन स्टेटमेंट देखिए और आपको उसके विजन और मिशन स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई एक चाहे सारी या चाहे आपको चंद एक मेन करेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी आप विजन और मिशन स्टेटमेंट्स खास तौर पर आई रिपीट पाकिस्तानी फर्म्स की जरूर पढ़िए ऑन्टरप्रीनोरियल लेंस से जब आप बिजनेस प्लान लिख रहे होंगे तो विजन और मिशन स्टेटमेंट के हवाले से जब हम बात कर रहे होंगे स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट के क्या सवाल जहन में आपके आने चाहिए नंबर वन वॉट इज योर जर्नल बिजनेस डिस्क्रिप्शन इसी तरह वॉट इज योर बिजनेस मॉडल इसी तरह इज इट सस्टेनेबल वायबल बिजनेस आइडिया जब आप एज एन ऑंटरप्रन्योर इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे होंगे तो बेसिकली आप अपनी विजन और अपनी मिशन स्टेटमेंट ही अपने जहन के अंदर बना रहे होंगे सो so क्विकली देखते हैं कि अगर आपके जहन में या किसी पेपर के ऊपर आपने चाहे वो रफ हो तो चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आप ये काम कर रहे हो किसी भी पेपर के ऊपर या जहन में आपकी जब विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हो और क्लियर हो तो उसके क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं याद रखिए है, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपका इन्वेस्टर भी होता है आपका एम्प्लॉय भी होता है वो टीम भी होती है जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे होते हैं आपके कस्टमर्स भी होते हैं ये सारे आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं सो वेन यू हैव अ क्लियर विजन एंड मिशन इन योर माइंड या ऑन योर पेपर तो इट ब्रिंग्स यूनैनमिटी ऑफ द पर्पज एंड डायरेक्शन अमंग ऑल द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सबको पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं करना क्या चाह रहे हैं फिर उसके बाद आपका विजन और आपका मिशन जो है वो प्रोवाइड करता है आपको स्टैंडर्ड्स और वो बेसिस जिनके ऊपर आप अपने प्रोसीजर्स डिज़ाइन कर सकें मिसाल के तौर पर अगर आपके विजन और मिशन स्टेटमेंट में ही लिखा है कि एम्प्लॉइज़ की जो वेल well वेलबींग है वो भी आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप अपनी जितनी भी ये चार पॉलिसीज़ बनाएंगे वो इसी की लाइट में बना रहे होंगे जब आप अपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होंगे यही विजन और मिशन स्टेटमेंट आपको हेल्प कर रही होगी बिकॉज आपने पहले ही लिख दिया होता है आपके जहन में ये क्लियर होता है कि आपने किस मार्केट को हिट करना है किस तरह कस्टमर ओरिएंटेशन को आपने अप्रोच करना है आपके बिज़नेस का कल्चर और उसकी टोन भी इस्टेब्लिश हो रही होती है यानी अगर आपने अपने विजन और मिशन में लिख दिया है कि एट लार्ज आप कभी भी ऐसी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करना चाहते जो कि सोसाइटी के लिए एट लार्ज हार्मफुल हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऐसी सर्विस को कभी भी डिज़ाइन नहीं करेंगे या उसमें डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे जो कि पोटेंशियल थ्रेट हो फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ वाइज आपको अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी आप रूल्स सेट करते हैं जब विजन और मिशन स्टेटमेंट आपके जहन में क्लियर हो बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपके जहन में क्लियर हो फ्यूचर डायरेक्शन आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो तो फिर जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो तो आपके साथ फ्यूचर में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते और उनसे जिसे कहते हैं रास्ते जुदा करने के लिए भी आपकी यही विजन और मिशन स्टेटमेंट आपके लिए एक लाइट का हाउस का काम कर रही होगी इसी तरह आपके जितने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जब वो सेट कर रहे होंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड बार बार यही चल रहा होगा कि आपने अपनी फ्यूचर ओरिएंटेशन यानी अपनी विजन और अपनी मिशन स्टेटमेंट क्या आपने डिजाइन की हुई है और यही विजन और मिशन स्टेटमेंट आपकी नजरों के सामने हो तो आपको भी मोटिवेट करते रहेंगे आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी मोटिवेट करते रहते हैं इसीलिए आई रिपीट आप जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ास पर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट्स फ्रेम करके पब्लिक प्लेसेस पर लगाए होते हैं ताकि उनके एम्प्लॉज़ हर वक्त उस मिशन और विजन स्टेटमेंट को पढ़ते रहें उनको पता ही चलता रहे कि कंपनी बेसिकली कहाँ जाना चाहती है ताकि वो कंपनी के साथ ही सफ़र इख्तियार करें सो so, एक अच्छी विजन और मिशन स्टेटमेंट चाहे वो आपके जहन में हो चाहे वो आपके रफ़ पेपर पर हो और चाहे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट हो फॉर द लार्ज कॉपोरेशन एक अच्छी विजन और एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट आपको आपकी आपके एक बेहतर फ्यूचर तक पहुंचाने का रास्ता होती है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो